का ख्याल रखियो, ठीक है, चोर चूर घुसने ना दियो। और ये रहा सोनू भाई, तो चलते हैं पहले मेरे दोस्त ईशान के घर पे जाएंगे हम, फिर आगे देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो दोस्तों पहुंच गए ईशान के घर पे। ये बंदा पूरे दिन सोता रहता है, टाइम हो रखा है इस टाइम देखो 12:30 हो गया और ये सो रहा है बंदा ये, ठीक है। तो घर पे मैं कम ही बोलता हूँ, असल में जब मैं ब्लॉग बना रहा था तो वहां पर थोड़ा घर में कम ही बोलता हूँ मैं, मेरी वो ट्यून नहीं निकलती असल में। और ये भाई अकेला रहता है घर में, कभी आप आओ से भाई से जरूर मिलना, ठीक है। भाई रहता है बापूधाम कॉलोनी में रहता है, इसके जूस का बिजनेस है, वो वहां पर करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी है, वहां पे बैठी है। तो वो भी देखेंगे चंडीगढ़ में कौन सी जगह पे शूट करना है यार। एक तो हमने ना सही बताऊं, मैंने और सुनू ने हर जगह पे फोटो शूट कर लिया है, अब हम दोनों बहुत दुखी हैं, इतनी सारी फोटोज पड़ी जब तक हमने पोस्ट करी ही नहीं है। और चंडीगढ़ में जगह भी यार कितनी है, रोज गार्डन, रॉक गार्डन, सुखना लेक, इलांटे मॉल, बस इनके अलावा कोई जगह है ही नहीं। और गार्डन्स में तो हम फोटो वैसे नहीं खींचते, हम खींचते हैं यार थोड़ी कोई आर्किटेक्चर थोड़ा अच्छा हो। तो चैलेंज है आज, देखते हैं कौन सी जगह मिलती है। सुनो भाई तेरे माइंड में कोई आइडिया कोई जगह जुगा? पीयू चलते हैं, वहां पे हमने फोटो शूट किया है, तो सुनू ने सही बताया पीयू चलते हैं, पीयू में हाँ थोड़ा आर्किटेक्चर अच्छा है। तो दोस्तों प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब जाएंगे हम आईटी पार्क, क्योंकि भाई ने फॉर्मल कपड़े डाले हैं तो वहां के माहौल के हिसाब से वही जचेंगे। उसके बाद में भी हम जाएं सुखना लेक, सुखना लेक में भी कोई ऐसा एंगल ढूंढेंगे कि थोड़ा अच्छे से आए फोटो। और उसके बाद हम जाएंगे पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी, वैसे तो वहां पर आज भीड़ होगी बट फिर भी ठीक है, देखते हैं आगे, घर से निकलते हैं देखते हैं क्या क्या जगह मिलती है हमें आगे। तो दोस्तों हम पहुंच गए आईटी पार्क में, और थोड़ा ऊपर से आसमान सही आ रहा था तो मैं कहीं यहीं रुक जाते हैं, हर बार यहीं फोटो शूट करनी पड़ती है यार, जगह ही कोई बची नहीं है। तो ऊपर जगह आज अच्छी लग रही है, पर ये बादल से आ रहे हैं देखो पीछे, और बिल्डिंग वगैरह भी अच्छी है यहाँ पे, स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे है, देखो एयरटेल की बिल्डिंग है। तो इंस्टाग्राम पर जरूर चेक करना कि फोटोज कैसी आई है, तो जरूर बताना कमेंट करके। तो सेशन स्टार्ट करते हैं फोटो शूट का, देखते हैं आगे कैसी फोटोज आती है। तो आईटी पार्क में हमने फोटोज खींच लिया है, काफी अच्छी फोटोज आई है यहाँ पे। सोनू भाई सीख गया डीएसएलआर चलाना, ठीक है। पहले हम फोटो खींचते थे उसकी, मैं इतनी मस्त मस्त फोटो खींचता था, अपने घर जाता था, मेरी फोटो बेकार बेकार आती थी। तो आज सोनू भाई ने काफी सही फोटोज खींची है, तो अब हम जाएंगे सुखना लेक। मॉल्स बड़े गंदे हैं, एकदम मॉल्स के अंदर खींचने नहीं देते, फोटो नहीं खींचने देते अंदर यार, जबकि अपना इंडस्ट्रियल एरिया में जितने मॉल है सब फोटो खींचने देते हैं। यहाँ पता नहीं इनके पास क्या नासा की फाइलें पड़ी अंदर, पता नहीं कौन सा डेटा पड़ा इनके पास नासा का, जो ये फोटो खींचने नहीं दे रहे। अब पहुंच गया सुखना लेक, ये जगह आती है पार्किंग, एक तरह की फ्री पार्किंग है। और यहाँ ऊपर पौड़ियों से जाके लेक है, और यहाँ से 1 किलोमीटर वो लेक की कंटीन है, जहाँ लेक की कंटीन है। तो अब यहाँ से जाएंगे, देखते हैं रास्ते में कैसी कैसी फोटोज आती है। फोटोज वगैरह खींचते तब तो पता नहीं चलता कैसी फोटो आ रही है, जब घर जाके देखते हैं फोटोज तो बहुत अच्छी लगती है। तो आगे ऊपर लेक पे, ये देखो पीछे, अब क्राउड थोड़ी ज्यादा होनी स्टार्ट हो गई यहाँ पे, अब सर्दियाँ हैं, लोग धूप सेकने के लिए आ जाते हैं, मतलब अब मौसम का हाल अच्छा है घूमने फिरने के लिए। तो आपको सिनेमेटिक व्यू दिखाता हूँ सुखना लेक का। तो ये हमारी फेवरेट जगह है, ये जगह है सुखना लेक की कैंटीन के ऊपर जो छत है वहां पर है हम। ये पीछे वो बच्चों का झूला है, वहां नीचे पीछे क्राउड ही क्राउड है, ठीक है। और यहाँ सीधा लेक है, ये पूरी लेक है, ये पीछे कोई क्लब टाइप है, ये भी आईपीज का है। और यहाँ पर हम आके हमेशा फोटो शूट करते हैं, ये इधर चलते चलते ऐसी ऐसी फोटो आती है हमारी। यहाँ पर वेदर भी अच्छा है,
तो ये हमने कुछ जुगाड़ कर रखे हैं, बड़ी मुश्किल से जगह चुन रखी है हमने। भाई ने बंक मारी है मेरे लिए, ठीक है से बंक कराया मैंने। मैं कहा भाई तेरी रोज फोटो खींच रहा, तू मेरी फोटो खींच, हिसाब पूरा कर। मैंने इसकी फोटो खींची 150, घर आया मेरी 5 फोटो निकली, 5 फोटो है, उसमें 3 में आंखें बंद थी मेरी, 2 फोटो अच्छी है, उसमें से एक अपलोड की मैंने। तो आज अच्छे से फोटो शूट करेंगे। तो अब विदा ले रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं आगे। तो अब हम आ गए थे लेजर वैली। ये लेजर वैली है, पीछे अपना आर्ट म्यूजियम है, इसका भी व्लॉग बना रखा है मैंने, अगर नहीं देखा तो जरूर देखना। तो फोटोज काफी सारी होगी, हमारे कपड़े भी खत्म हो गए फोटो खींच खींच के। तो अब हमारा प्लान कैंसिल हो गया पीयू जाने का, अब घर जाके पहले फोटो सेलेक्ट करेंगे। तो जिस टाइम हम फोटो खींच लेते ना बहुत सारी, फिर उस टाइम घर जाके कन्फ्यूज होते हैं कि भाई कौन सी फोटो डालें कौन सी ना डालें। फोटो जितनी सारी अच्छी अच्छी होती है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा जरूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सोनू भाई को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। सोनू भाई की इंस्टाग्राम की आईडी है और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो जरूर फॉलो करें। और तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बस फंस गया हरियाणा रोडवेज, जिंदाबाद। आगे को निकाल रहे हैं ना, पीछे को हो रही है। ओ बाप रे, खींच दिए खींच दिए खींच दिए खींच दिए खींच दिए। ना भाई तुमसे ना हो पाएगा।